दोनों के पास व्यापक और लंबा अनुभव। कुल मिलाकर 12 ओवर्स का यह मुकाबला है और फील्डिंग की संरचना तैयार की जा रही है। नीतीश झा और विवेक पारी का आगाज करते हुए एनटीपीसी बाढ़ के लिए। आउटस्टैंडिंग एफर्ट दिखाया ग्राउंड्समैन और पिच क्यूरेटर ने और उनकी कठिन मेहनत की बदौलत मुकाबला, जिसकी पूरी संभावना थी 1 बजे शुरू हो जाएगा, उससे कुछ पहले ही यहां पर शुरू हो रहा है। दूसरा सेमीफाइनल एनटीपीसी पतरातू और बीआरबीसीएल के बीच। कुल मिलाकर चार ओवर्स का पावर प्ले है और अब इशारा आता हुआ कि मैच को शुरू कर रहे हैं। शुभम गेंदबाजी के मोर्चे पर, नीतीश सामना करेंगे। और इस बार गेंद को निकाल दिया, गेंद चली जा रही है डी फाइन लेग की दिशा में। क्षेत्र रक्षक मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग वहां पर और खाता खुलता हुआ इसी के साथ एनटीपीसी बाढ़ का। थोड़ी स्ट्रेटजी में भी बदलाव होता है जब ओवर रिड्यूस किया जाता है तो। और इस बार बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया, गेंद चली जा रही है डीप गली सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर की ओर निकल रही थी और बल्ले का मुंह खोला, देखा कि क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं उस इलाके में और निकाल दिया डीप गली और डीप थर्डमैन बाउंड्री के बीच से सीमा रेखा के बाहर गेंद को, 4 रनों के लिए पहला चौका एनटीपीसी बाढ़ की पारी का। स्कोर पहुंचा 5 रन, विवेक के बल्ले से यह चौका निकलता हुआ और बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने खाते को खोला है इस मुकाबले में। और इस बार फंसते हुए जाल में, जी हां, एनटीपीसी कहलगांव को मिली है सफलता। मनीष ने कोई गलती नहीं की, विकेट कीपर मनीष है कहलगांव के, और इस तरह से एनटीपीसी बाढ़ को पहले विकेट का झटका लगा है। विवेक वहां पर एक बार फिर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद को ठीक तरीके से स्वीट पॉइंट से गेंद नहीं टकराई थी बल्ले के और अंततः उन्हें वापस जाना पड़ा। पहली सफलता एनटीपीसी कहलगांव को और अब विकास चौधरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अपनी टीम के बल्लेबाजी क्रम की रीड माने जाते हैं, उनसे काफी उम्मीदें होगी। एनटीपीसी कहलगांव इस प्रतियोगिता की मेजबान टीम, सिर्फ 2 खिलाड़ी ही 30 गज के दायरे के बाहर रख सकते हैं आप पावर प्ले के दरमियान। और एक बार फिर अच्छी गेंद, शुभम ने अपने गेंद और बल्ले दोनों से गजब का जौहर दिखाया इस पूरी प्रतियोगिता में। और इस प्रतियोगिता का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भी उन्हीं के नाम है अब तक। और इस बार ऑफ स्टंप की लाइन के काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। दोनों अंपायर काफी अनुभवी, काफी ख्याति प्राप्त। अच्छी
कलाइयों का इस्तेमाल करके खेला था और शतरक्षक ने आगे करके को फील्ड किया, लेकिन रन की कोई संभावना नहीं। कोशिश की थी कि दौड़ कर रन पूरा करे। और इस बार इस गेंद घुमा दिया है, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ और एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हो गया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 run 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एनटीपीसी बार्ड इज बैटिंग फर्स्ट आफ्टर लूजिंग द टॉस इन द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ AR1 IRSM क्रिकेट टूर्नामेंट बींग होस्टेड बाय NTPC कहलगांव। 8 teams पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इंटर रीजनल स्पोर्ट्स मीट ऑफ ईस्टर्न रीजन। एंड द टीम दैट क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स आर NTPC Bard, NTPC Kahalgaon, NTPC Patratu and BRBCL. Top 4 teams have qualified for the semi-finals. Thakur गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं। नरेंद्र ठाकुर की गेंद और अच्छी गेंद यहाँ पर, हल्के हाथों से खेला था और रथी जी के साथ रन लेना चाहते थे। उन्होंने स्ट्राइकिंग हिट से काफी आगे तक निकल आए थे। और एक बार फिर अच्छी गेंद यहां पर नरेंद्र की। NTPC कहलगांव ने लीग प्रतियोगिता में अपने 2 मैच जीते और इसके बलबूते हुए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंचने सफल हुए। अच्छी गेंद यहां पर, बहुत अच्छी गेंद। अब आसमान बिल्कुल साफ और सूर्य देवता अपनी पूरी ऊर्जा बिखेरते हुए बीच मैदान में। और इस बार गेंद काफी नीची रही, गेंद को कट किया था, शिक्षक मौजूद वहां पर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर दिया बगैर किसी रन के। पारी के दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, कुल मिलाकर 12 ओवर्स का ये मुकाबला है और सिर्फ 2 गेंदबाजी अधिकतम 3 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है। और इस बार बिल्कुल पंजों के बल ऊपर उछलते हुए हल्के हाथ से गेंद को दिशा दी थी, पॉइंट की तरफ गेंद को फील्ड किया गया बगैर किसी रन के। अब तक कोई भी रन इस ओवर में नहीं आया है। नरेंद्र ठाकुर लगातार नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, सही जगह पर टप्पा डालते हुए गेंद का। और इस बार मौका फारा, गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद चली जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का मौका। आउटफील्ड कल की तुलना में थोड़ी धीमी क्योंकि बारिश का थोड़ा असर दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल प्लेइंग कंडीशन शानदार यहां पर। अब ग्राउंड्समैन और पिच क्यूरेटर की कठिन मेहनत के बदौलत फिलहाल अंतिम गेंद पर 1 रन के साथ ओवर मुकम्मल। दूसरे ओवर का खेल समाप्त हो गया, स्कोर है 8 run 1 विकेट के नुकसान पर।
आज के मैच के दोनों स्कोरर वरुण सिंह और प्रियांशु। और इस बार मौका तारा बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से निकाल दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, चार रन। इसी तरह के कुछ स्ट्रोक्स खेलने होंगे क्योंकि आपको गेंदबाजों को भी मौका देना है। और स्कोर बोर्ड पर अगर 12 ओवर्स के लिहाज से 80-90 के आसपास अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपके गेंदबाजों के लिए मौके कब हो जाते हैं। और एक बार फिर अच्छी गेंद यहां पर, शुभम गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं, दूसरा ओवर उनका। और इस बार गेंद चली जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, गेंद को फील्ड किया गया, तब तक बल्लेबाज के पास एक रन भागने का मौका। और इस बार अपनी दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का एक अतिरिक्त रन के सहारे रनों का पहिया पहुंच गया है बाट का, पहुंचकर 14 रन एक विकेट के नुकसान पर पारी के तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, कुल मिलाकर 12 ओवर्स का मुकाबला। और इस बार कट किया गेंद को सीधे क्षेत्र रक्षक के पास, रन बनाने का कोई विकल्प नहीं। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया मिड ऑफ की तरफ, और इस बार इस गेंद को खेला है तेजी के साथ, बल्लेबाज रन के लिए भाग रहे हैं। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन, और ओवर की समाप्ति, पारी के तीसरे ओवर का खेल खत्म हुआ। और स्कोरर द्वे यानी वरुण और प्रियांशु बता रहे हैं कि रनों की संख्या है कुल मिलाकर 16 एक विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 4 ओवर्स का पावर प्ले होगा, यानी अंतिम ओवर पावर प्ले का अब शुरू होगा और उसके बाद फील्डिंग की संरचना को दूर दूर तक फैलाई जा सकती है। पावर प्ले में नियम के मुताबिक सिर्फ 2 क्षेत्र रक्षक ही 30 गज के दायरे के बाहर आप रख सकते हैं। विकास चौधरी ने इस गेंद को लॉफ्ट किया था जरूर, लेकिन क्षेत्ररक्षक की गिरफ्त में गेंद आ पहुंची और इस तरह से विकास चौधरी को आउट होकर वापस जाना होगा। एक अच्छा कैच वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में लपका है क्षेत्ररक्षक ने, काजिम ने वहां पर अच्छा बैलेंस बनाते हुए गेंद को अपने हाथों में कैद किया और इस तरह से बाद एनटीपीसी को दूसरा झटका लगा
और एनटीपीसी कहलगांव के खेमे में जश्न का माहौल। दिव्य प्रकाश अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पारी के चौथे ओवर का खेल प्रगति पर, बहुत ही खूबसूरत मैदान और आयोजन समिति की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। एक शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता, खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार अवसर। और इस बार इस गेंद को खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास अपना छोर बदलने का पर्याप्त मौका, एक रन का और इजाफा टीम की रन संख्या में। हाउ इज दैट की हल्की सी अपील, गेंद चली गई लॉन्ग लेग के दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक बल्लेबाज के पास एक रन और पूरा करने का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 18, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। बाढ़ एनटीपीसी की टीम को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण मिला था। और इस बार गेंद को निकाल दिया, गेंद चली जा रही है कमर के क्षेत्ररक्षक के बगल से सीमारेखा की तरफ। तीन क्षेत्ररक्षक उसका पीछा करते हुए, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से ज्यादा तेज, गेंद सीमारेखा के बाहर, चार रन। अच्छी टाइमिंग और बढ़िया प्लेसमेंट, और ये अंतिम ओवर है पावर प्ले का, तो कोशिश करते हुए और इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया, थोड़ी सी गफलत हुई और बल्लेबाज रन के लिए भागते हुए, और एक रन का और इजाफा टीम की रन संख्या में। और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 23, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। बाढ़ी की टीम बिल्कुल कोशिश करती हुई कि ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर अंकित किए जाएं। और इस बार इस गेंद को कट करके भाग पड़े रन पूरा करने के लिए, रन को सफलतापूर्वक पूरा भी किया। अंतिम गेंद पर एक रन के साथ ओवर मुकम्मल, चौथे ओवर का खेल समाप्त हुआ। चार ओवर के बाद स्कोर है 24 रन, दो विकेट के नुकसान पर। काजिम गेंदबाजी के मोर्चे पर, और काजिम के पास अच्छी रफ्तार है, और अगर सही जगह पर उनकी गेंद टप्पा खाती है
तो फिर बल्लेबाज मुश्किल में फंस सकते हैं। पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है, इसलिए अब फील्डिंग की संरचना दूर दूर तक नजर आ रही है। और इस बार इस गेंद को कट किया है और क्षेत्ररक्षक तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज के पास एक रन और भागने का मौका, स्कोर पहुंचा 25। पारी के पांचवें ओवर का खेल चलता हुआ, प्रतियोगिता का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा, लेकिन उसके पहले दो घमासान मुकाबले। अच्छी गेंद और इस बार खेला गेंद को दौड़कर एक रन पूरा किया, कोई नजदीकी क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं, जिसका फायदा मिला दोनों बल्लेबाजों को। एक रन का मुनाफा रन संख्या में, स्कोर पहुंचा 26। एक रन पूरा किया है और सिर्फ एक रन ही मिल पाएगा, क्योंकि लॉन्ग ऑन पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, उन्होंने आगे आकर गेंद को फील्ड किया। एक रन का और इजाफा, और स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे हैं, जो अच्छा संकेत माना जाता है। अगर आप आसानी से बाउंड्रीज नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहता है। और इस बार आगे निकले थे, गेंद बल्ले का किनारा लेकर चली गई स्क्वायर स्टेटमेंट की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर। चार रनों का इशारा अंपायर का, स्कोर इस चौके के साथ पहुंच गया 31 पर 31। पांचवें ओवर का खेल प्रगति पर, और एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकलकर लॉफ्टेड शॉट लेना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई सामंजस्य नहीं, अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, पांचवें ओवर का खेल समाप्त हुआ। पांच ओवर की समाप्ति के बाद एनटीपीसी बाट पहुंची है 31 रनों तक 31, दो विकेट के नुकसान पर। और इस तरह से एक अच्छा कैच वहां पर, बहुत ही अच्छा कैच,
और इस तरह से तीसरे विकेट का पतन हुआ है। पारी के छठे ओवर का खेल प्रगति पर, और ओवर के लिहाज से आधा सफर पूरा हो जाएगा इस ओवर की समाप्ति के बाद। पाठ के बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चौके छक्के जने और रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाएं। कांटे की टक्कर का मुकाबला, और इस बार गेंद को निकाल दिया है। गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑफ की दशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास एक रन मुकम्मल करने का पर्याप्त मौका, एक रन का और इजाफा रन संख्या में। स्कोर पहुंचा इस एक रन के साथ 32 फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट्स, सिक्स ओवर इन प्रोग्रेस। दिस गेम इज ऑफ 12 ओवर्स। और इस बार गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप की लाइन के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। विकेट कीपर चौकन्ने हैं विकेट के पीछे किसी भी संभावित स्टंपिंग की तलाश में। एक बॉल लेट चल रहा है। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया है। गेंद चली जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ की दशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास एक रन और पूरा करने का मौका। और इस एक रन के साथ अब स्कोर पहुंचा 34 पर, माफ कीजिएगा। धन्यवाद स्कोरर वरुण। अच्छी गेंद यहां पर, बिल्कुल नपी तुरी गेंद। सुमन गेंदबाजी कर रहे हैं और एक सफलता भी प्राप्त की। और जब किसी गेंदबाज को विकेट मिल जाता है तो उनके हौसले बिल्कुल बुलंद होते हैं। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली, और इस बार गेंद को निकाल दिया है। गेंद चली जा रही है वाइड मिडॉन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का मौका। एक रन की बढ़ोतरी के साथ स्कोर पहुंचा है 35 रन। छठे ओवर का खेल समाप्त हो गया। तो आधा सफर ओवर के लिहाज से संपन्न हो गया। आधे सफर के बाद, छठे ओवर की समाप्ति के बाद, स्कोर है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर वार्डन एनटीपीसी का। उनका मुकाबला एनटीपीसी कहलगांव से इस ER1 IRSM क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एनटीपीसी पतरातु और BRBCL के बीच खेला जाएगा इस मैच के तुरंत बाद। और इस सेमीफाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण NTPCIT चैनल पर आप देख सकते हैं। और एक बार फिर अच्छी गेंद यहां पर, और अब हल्की हवा भी चलती हुई। और इस बार मौकादार गेंद को निकाल दिया डीप लॉन्ग ऑफ पर। क्षेत्र रक्षक मौजूद रहने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज के पास एक रन और पूरा करने का मौका। काफी कड़ी मेहनत के बाद मैच को शुरू किया गया है।
ग्राउंड्समैन और पिच क्यूरेटर की कड़ी मेहनत का नतीजा। और इस बार खेलना चाहते थे सामने की तरफ, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चली गई है सीमारेखा की तरफ, क्षेत्र रक्षक उसका पीछा करते हुए लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमारेखा के बाहर पहुंची चार रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा अब 40 पर। अपनी तरफ से कोशिशें जारी हैं एनटीपीसी बार्ड के बल्लेबाजों की कि हर ओवर में कम से कम एक दो चौके, एक तो बाउंड्रीज झरकर टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाएं। हल्की सी तब्दीली क्षेत्ररक्षण में और अब एक खिलाड़ी को जहां से ये, और इस बार अच्छी गेंद, लगातार कोशिश कर रहे हैं स्ट्रोक खेलने का, लेकिन इस बार के दौर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं फिलहाल। स्कोर है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर 43। दिस टाइम बॉल टेकिंग द एज ऑफ द बैट एंड हैज रीच्ड इनटू द रीजन ऑफ Fine third man, batters went through for another comfortable single. One more into the total. Now score moving on to 41 for the loss of 3 wickets. Seventh over is in progress. This game is of 12 overs. NTPC Bard is taking on the host side. NTPC Kahalgaon in the first semi-final of ER1 IRSM cricket tournament organized by और होस्टेड बाय एनटीपीसी कहलगांव। दिस टाइम कमिंग डाउन द विकेट, वांटेड टू हिट इट ओवर द टॉप, नो कनेक्शन बिटवीन बैट एंड बॉल। देयर वाज, दिस वाज द लास्ट बॉल ऑफ द सेवंथ ओवर, ओवर नंबर सेवंथ गॉन। स्कोर इज 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। The captain of NTPC Kahalgaon side, Jitinder, on the toss, and he invited the opposition captain to bat first. And NTPC Bard is now 41 after 7 overs, and seeing the condition of the pitch, seeing the condition of the timing, the umpire has decided this match to happen of 12 overs. Good delivery. Batter just wanted to using his full force and wanted to hit it over the top. No connection between bat and ball. Suman is bowling. In comes Suman. This time change in pace but picked it very early. What a catch this has been. What a catch this has been. Exceptional effort. Into the back but a square leg region. And fielders coming from the all corners of the ground to congratulate him on this commendable job. Wicket number 4th gone. Exceptional effort shown by the fielder. And Deepa Prakash has to go back to the pavilion. So 4th loss for NTPC Bard side. They are at 41 for the loss of 4 wickets now. 8th over is in progress. Change in pace from Suman, but the batter picked it early. But exceptional effort by the fielder into the back, but a square leg boundary. So wicket number 4th gone. Basu Nayak comes into bat. This game is of 12 overs, 8th over is progressing.
Yes, wicket number 5 gone. What a delivery from Suman. And the batter didn't understand anything at all. And ball hitting his stumps. So wicket number 5th down for NTPC bad side. And now Suman is on hat-trick. और सुमन का गेंदबाजी का विश्लेषण अब तक इस पारी में हमारे स्कोरर वरुण बता रहे हैं कि 1.3 ओवर में अब तक इन्होंने सिर्फ 4 रन खर्च किया है और 3 महत्वपूर्ण सफलताएं उन्होंने अब तक प्राप्त कर ली है। कमाल की गेंदबाजी इनकी फिरकी में, इनकी जादुई गेंदों के सामने बाढ़ एनटीपीसी के बल्लेबाज नतमस्तक होते हुए थोड़ा संभल कर खेलने की आवश्यकता। 2 गेंदबाज अधिकतम 3 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है। और इस बार अच्छा, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद वहां पर काफी आगे तक निकल आए थे। नॉन स्ट्राइकिंग इनसे बल्लेबाज पे मौजूद है बल्लेबाज पप्पू। और एक बार फिर गति में बड़े बर्तन, इस बार इस गेंद को निकाल दिया, गेंद चली जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। बल्लेबाज दूसरे रन के लिए वापस पलटते हुए अच्छी रनिंग पिट बिंदा विकेट का प्रदर्शन, 2 रन का और इजाफा टीम की रन संख्या में, स्कोर पहुंचा 43। और एक बार फिर जोरदार अपील और ओवर की समाप्ति। पारी के 8वें ओवर का खेल समाप्त हुआ। 8वें ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 43, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों का खेल और बचा है इस पारी में। देखना कि बची हुई 24 गेंदों में एनटीपीसी बाढ़ के बल्लेबाज कितना रन और स्कोरबोर्ड पे जोड़ पाते हैं। कड़ी टक्कर कहलगांव के गेंदबाजों ने उन्हें अब तक दी है और खास करके सुमन ने अब तक 3 विकेट प्राप्त कर लिए हैं। 2 ओवर में सिर्फ 6 रन खर्चे हैं। न सिर्फ किफायती गेंदबाजी की है, बल्कि जो चोटी के बल्लेबाज हैं, जो मान्यता प्राप्त बल्लेबाज होते हैं, उन्हें चलता किया है। बेहतरीन गेंदबाजी सुमन की 8वें ओवर के बाद। स्कोर है 43 रन 5 विकेट पर। और कप्तान जितेंद्र गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं और सामने हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज पप्पू। और इस बार लॉफ्ट किया है, काफी देर तक गेंद हवा में और क्षेत्ररक्षक ने नहीं की कोई गलती। 6ठा विकेट एनटीपीसी बाढ़ का गिरता हुआ। और सारे खिलाड़ी अपने कप्तान को बधाई देते हुए और खास करके क्षेत्ररक्षक को भी। कुल मिलाकर 6ठा झटका एनटीपीसी बाढ़ को। लगातार नियमित अंतराल पर विकेट्स खोए हैं एनटीपीसी बाढ़ की टीम ने। तैतालीस रन 6 विकेट के नुकसान पर 43/6। अभिषेक परासर अपनी टीम के कप्तान भी हैं, वो बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने पहुंचे हैं बीच मैदान में।
और इस बार सुरक्षात्मक तरीके से खेलकर भागकर बल्लेबाजों ने एक रन अपनी टीम के खाते में और जोड़ा है। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 44-44। और इस तरह से एक और सफलता, जितेंद्र का मनोबल काफी ऊंचा है और गेंद को बिल्कुल वो सही जगह पर टप्पा डाल रहे हैं और मिसरीड किया फिर बल्लेबाज ने और गेंद अपना काम करते हुए सीधे उनके स्टंप्स में जाकर टकराई और इस तरह से सातवां विकेट गिरता हुआ एनटीपीसी बाट का, संकट की स्थिति उनके लिए। न सिर्फ रनों पर अंकुश लगाकर रखा है बल्कि नियमित अंतराल पर विकेट भी चटका रहे हैं, तो दोहरी मार यहां पर एनटीपीसी बाट के लिए। आज के दोनों निर्णायक संजय सिंह और राजू बाल्स बिहार के सबसे ख्याति प्राप्त निर्णायकों में से एक, काफी व्यापक और लंबा अनुभव दोनों के पास और क्रिकेट की बारीकियों को बहुत खेलना कहीं चाहते थे। गेंद शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पहुंची थी ऑन साइड में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का और मौका। स्कोर पहुंचा 45। जितेंद्र पूरी लय में नजर आ रहे हैं और जो अनिश्चितताओं का गलियारा होता है वहां पर टप्पा डाल रहे हैं और एक और सफल ओवर समाप्त हुआ। दो विकेट झटके इस ओवर में जितेंद्र ने और नवे ओवर की समाप्ति हो गई। नवे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन 7 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे रनों पर अंकुश लगाने में भी कामयाबी हासिल हुई है और विकेट भी चटकाया है। अब सिर्फ 18 गेंदों का खेल बचा है इस पारी में। सुमन अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। दो ओवर में अब तक सिर्फ 4 रन खर्चे हैं, 3 महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है। और इस बार सुमन वहां पर खुद फॉलो थ्रू में मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, अच्छा मिश्रण उनके पास। और इस बार गति में परिवर्तन और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकाल दिया। गेंद चली गई डीप मिड विकेट के दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास एक रन मुकम्मल करने का पर्याप्त मौका। स्कोर पहुंचा 46। और इस बार ऑन साइड में गेंद को फिर से मोरा है, गेंद गई है लॉन्ग लेग की तरफ, एक रन का और इजाफा होगा रन संख्या में। स्कोर पहुंचा है 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और इस बार पिक किया गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक आते हुए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं। और इस तरह से दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज को वापस जाना होगा। इस तरह से 8वां झटका डीपीसी बार्ड को। जिस तरह से गेंदबाजी की अपनी तकनीक होती है उसमें बेसिक्स बहुत आवश्यक होना, उसी तरह से विकेटों के बीच दौड़ भी एक अद्भुत कला है।
कॉल का स्पॉट ऑन होना बहुत आवश्यक, थोड़ी सी देर आपकी पारी का समापन कर सकती है, इसलिए चौकन्ने रहकर अच्छी सामंजस्य के साथ दोनों बल्लेबाजों को दौड़ना होता है। और एक बार फिर से गेंद को खेला है, दूसरे के लिए पलट गए हैं और इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे हो गए हैं, अर्धशतक यानी 50 पूरा हो गया है एनटीपीसी बाट का। और इस बार गेंद को निकाला है, गेंद चली जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास एक रन इत्मीनान के साथ पूरा करने का मौका। ओवर की समाप्ति, 10वें ओवर का खेल समाप्त हुआ, 10 ओवर्स के बाद स्कोर है 51, 8 विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 2 ओवर का खेल बाकी इस पारी में, जो भी 12 गेंदों में टीम कितना रन और जोड़ पाती है, अब तक अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश किया है एनटीपीसी कहलगांव के गेंदबाजों ने, यह उनका होम ग्राउंड, तो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक लाभ और होम कंडीशनिंग का फायदा भी टीमों को मिलता है, लेकिन एक अतिरिक्त दबाव भी होता है। जितेंद्र की पहली गेंद नए ओवर की, और इस तरह से अच्छा प्रयास, और आशीष ने एक बार फिर से कोई गलती नहीं की और जितेंद्र को मिली है एक और सफलता। कप्तान की घातक गेंदबाजी, कातिलाना गेंदबाजी, नवा झटका एनटीपीसी बाट को। जितेंद्र को तीसरी सफलता प्राप्त हुई है और अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, 2 रन देकर अब तक 3 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं कप्तान फ्रंट से लीड करते हुए। अंतिम जोड़ी मैदान में, और इस बार थोड़ी पहले गिरी थी और बल्लेबाज के पास मौका एक रन पूरा करने का, 52 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर का खेल प्रगति पर, 12 ओवर्स का मुकाबला और इस मैच के बाद दूसरा सेमीफाइनल भी शुरू होगा। एक और सफलता जितेंद्र को मिली है, 4th सफलता सिर्फ 3 रन खर्च करके, और इसी के साथ एनटीपीसी बाट की पारी समाप्त हो गई है 52 रनों पर। एनटीपीसी कहलगांव को जीतने के लिए, इस प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश करने के लिए 53 रनों की आवश्यकता होगी। पहला सेमीफाइनल की पहली पारी का खेल समाप्त हो गया है, कुल मिलाकर 52 रनों पर एनटीपीसी बाट की टीम ऑल आउट हो गई है। कप्तान जितेंद्र की घातक गेंदबाजी, सुमन की भी शानदार चतुराई भरी गेंदबाजी, सुमन ने 3 और कप्तान जितेंद्र ने 4 विकेट झटके, और इस तरह से कुल मिलाकर और एनटीपीसी कहलगांव को इस प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश करने के लिए 53 रनों की आवश्यकता होगी।
दोनों अंपायर सब पहली पारी के समापन के बाद मैदान से बाहर आते हुए और कुछ ही देर में दूसरी पारी का खेल शुरू होगा। उसके बाद एक और सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है जिसमें टक्कर होगी एनटीपीसी पतरातू की बीआरबीसीएल के साथ। हेलो, इस मैच के तुरंत बाद बीआरबीसीएल और पतरातू के बीच दूसरा सेमीफाइनल होना है। बार टीम मैदान पे उतर चुकी है, उनसे अनुरोध है कि जल्दी से फील्ड सेटअप करें और कहलगांव के कप्तान से अनुरोध है कि बैट्समैन भेजें। हेलो, दोनों एम्पायर्स का मैदान में प्रवेश पहले सेमीफाइनल की दूसरी पारी के लिए। बार टीम से अनुरोध है कि 11 प्लेयर्स ग्राउंड पे जल्दी पहुंचे, दूसरा सेमीफाइनल भी आज ही होना है। प्लीज
बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज प्लीज आप मैदान में प्रवेश करें, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल भी खेला जाना है। आप जल्दी मैदान में प्रवेश करें। एनटीपीसी कहलगांव के दोनों बल्लेबाज, आप जल्दी मैदान में प्रवेश करें। और अब मुकाबला शुरू होने की तैयारी में, और रवि इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर। कुल मिलाकर 53 रनों का लक्ष्य, और अगर एनटीपीसी बार्ड को इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचना है तो एनटीपीसी कहलगांव को उन्हें 52 रनों के पहले रोकना होगा। इस बार हल्की सी गफलत हुई और तुरंत दोनों बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा किया और खाता खोल दिया एनटीपीसी कहलगांव का। टॉस जीता था एनटीपीसी कहलगांव के कप्तान ने और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया बार्ड के कप्तान को, और कुल मिलाकर 52 रन बनाई बार्ड की टीम ने और पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। और इस बार रवि की गेंद सुरक्षात्मक तरीके से बैट और पैड को साथ लेकर हल्के हाथों से पुश भर किया बगैर किसी रन के। सीताराम सामना कर रहे हैं। और इस तरह से विकेट कीपर का प्रयास अच्छा था लेकिन थोड़ी गेंद उनसे दूर रह गई थी और एक रन का और इजाफा टीम की रन संख्या में, स्कोर पहुंचा 2। और इस बार सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल भर दिया, अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, पारी के पहले ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 3 रन बगैर नुकसान के, लक्ष्य सामने 53 रनों का।
ब्रज गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं और अच्छी गेंद ब्रज की पहली। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया, गेंद चली जा रही है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच के खाली क्षेत्र से दंदर आते हुए सीमा रेखा के बाहर, चार रन। और इस मैच के बाद एक और सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है एनटीपीसी पतरातू और बीआरबीसीएल के बीच। स्कोर है 7 रन 7, यहां से 46 रनों की और आवश्यकता। ब्रज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार उनकी कोशिश कि कुछ शुरुआती झटके प्रदान किए जाएं एनटीपीसी कहलगांव को। और अपनी दिशा से भटके, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का एक अतिरिक्त रन, स्कोर पहुंचा 8 पर। और इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ, साइड स्क्रीन के ठीक सामने आकर गेंद को फील्ड किया गया। तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन और पूरा करने का मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 9 विदाउट लॉस, लक्ष्य सामने 53 रनों का। और इस बार कट किया तेजी के साथ भागकर रन पूरा किया, और बल्लेबाज की शानदार कोशिश क्रीज में पहुंचने की। ओवर की समाप्ति, पारी के दूसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद एनटीपीसी कहलगांव का स्कोर 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई 10 पर पहुंची है बगैर किसी विकेट के नुकसान के। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ अपना बायां पैर बाहर निकाला, गेंद की पिच तक गए और सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया बगैर किसी रन के। और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और इस बार ड्राइव किया है गेंद को, क्षेत्ररक्षक मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, बल्लेबाज के पास 1 रन और भागने का मौका।
रवि लगातार नपितुरी गेंदबाजी कर रहे हैं और पारी के तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर है 12 रन, कुल मिलाकर 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई एनटीपीसी कहलगांव की टीम ईआर वन आईआरएसएम क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है एनटीपीसी बाढ़ और एनटीपीसी कहलगांव के बीच। दूसरा सेमीफाइनल एनटीपीसी पतरातू और बीआरबीसीएल के बीच खेला जाएगा। और इस बार खेल दिया, आगे निकल गए थे, खतरा हो सकता था, लेकिन जब तक गेंद पहुंचती गेंदबाज के पास तुरंत रिफ्लेक्शन दिखाते हुए क्रीज में सुरक्षित पहुंचे बल्लेबाज और ओवर की भी समाप्ति हो गई। तीसरे ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर है 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के और आज काफी संख्या में दर्शकों की भी तादाद यहां पर इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए। और इस बार कट किया है, तेजी के साथ भागे बल्लेबाज रन पूरा करने के लिए। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 13। यहां से 40 रनों की और आवश्यकता। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा है 17। 36 रनों की और आवश्यकता। अब तक किसी विकेट का नुकसान नहीं हुआ एनटीपीसी कहलगांव को। और एक बार फिर से गेंद को खेला, बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद चली गई पॉइंट बाउंड्री पर, गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज के पास एक रन मुकम्मल करने का पर्याप्त मौका। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 18। 35 रनों की और आवश्यकता। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर यानी चौथी ओवर का खेल प्रगति पर। इस बार गेंद को खेला, तेजी के साथ क्षेत्ररक्षक गेंद की तरफ आते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड किया और तब तक बल्लेबाज के पास एक रन भागने का मौका। इस एक रन के साथ अब स्कोर पहुंचा है 19 पर 19। और इस बार गेंद चली जा रही है वहां पर, क्षेत्ररक्षक से गफलत हुई, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन इन वक्त पर मना किया।
उनके साथ ही बल्लेबाज ने एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा 20 रन चौथे ओवर की समाप्ति के बाद। 20 आफ्टर 4 ओवर्स, यहां से अब 33 रनों की और आवश्यकता और 48 गेंदों का खेल बाकी। नए ओवर की शुरुआत हुई है और कोई रन नहीं पहली गेंद पर। विवेक इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर, और इस बार सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर एक क्षेत्र रक्षक को तैनात करके रखा है। उन्होंने गेंद को फील्ड किया विकेट के सिरन के, लॉन्ग ऑन और फाइन लेग पर एक क्षेत्र रक्षक, एक बार फिर से मिस टाइम किया और एक खिलाड़ी डीप कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। और इस बार बहुत शानदार तरीके से गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर हवाई मार्ग से, एक गगन एक शानदार छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर छलांगे मारता हुआ 26 पर पहुंच गया है और 27 रनों की और आवश्यकता। एक बार फिर बल्ले का मुंह खोला, गेंद को निकाल दिया, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। धीरे धीरे अब एनटीपीसी कहलगांव की पकड़ मजबूत होती हुई और चौका निकलता हुआ आशीष के बल्ले से, उनके बल्ले का पराक्रम जारी है और इस चौके के साथ आशीष पहुंचे हैं 23 रनों की व्यक्तिगत रन संख्या पर। ही इज नॉट आउट ऑन 23। पांचवें ओवर का खेल समाप्त हुआ और पांचवें ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 30 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पलड़ा अब भारी दिखता हुआ एनटीपीसी कहलगांव का। नए ओवर की शुरुआत हुई है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक बल्लेबाज के पास एक रन
पूरा करने का मौका। छठे ओवर की शुरुआत हुई है, स्कोर पहुंच गया कहलगांव का 31 रन, अब सिर्फ 22 रनों की आवश्यकता एनटीपीसी कहलगांव को प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश करने के लिए। दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आशीष थोड़ा आक्रामक, 3 चौका और 1 छक्का अब तक उनकी पारी में शामिल। और अपनी जिम्मेदारियों पर बिल्कुल खरा उतरते हुए और इस बार लॉफ्ट किया है और क्षेत्र रक्षक मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की और विकास चौधरी ने वहां पर गेंद को अपने हाथ में लपका। इस तरह से पहला झटका एनटीपीसी कहलगांव को। पारी के छठे ओवर का खेल प्रगति पर इस मैच के तुरंत बाद बीआरबीसीएल वर्सेस एनटीपीसी पतरातू के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा और प्रतियोगिता का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला कल संपन्न होगा। और जितने टीमों ने पार्टिसिपेट की, पूरी निष्ठा, पूरी खेल भावना, पूरी तन्मयता के साथ वो मैदान में डटे रहे। गेंद और बल्ले का जबरदस्त रोमांच देखने को मिला है इस पूरी प्रतियोगिता में। शुभम अब बल्लेबाजी करने आए हैं। और जब एनटीपीसी कहलगांव की टीम ने अपना पहला मैच खेला था तो शुभम ने कुल 94 रन बनाए थे 12 चौके 6 छक्कों की मदद से। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ और इस तरह से काफी आगे तक निकल आए थे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, लेकिन शुभम ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और अंततः क्रीज में सुरक्षित पहुंचने में कामयाब हुए, अन्यथा खतरा हो सकता था। और इस बार कट किया, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। पारी के छठे ओवर का खेल समाप्त हुआ, छठे ओवर के बाद स्कोर है 31, 1 विकेट के नुकसान पर 22 रनों की और आवश्यकता। कुल मिलाकर 36 गेंदों का खेल अभी और बाकी है। और इस बार अच्छी गेंद थी और गेंद चली जा रही है विकेट कीपर से गफलत होने के साथ ही सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इस तरह से इस चौके के साथ स्कोर पहुंच गया है 35 पर, अब सिर्फ 18 रनों की आवश्यकता। और इस तरह से सफलता प्राप्त हुई है, दूसरा झटका।
और इस बार हल्की सी अपील की गई है, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। जो मापदंड होती है पगबाधा आउट करार देने की, उस पर गेंद खरी नहीं उतर रही होगी। जी हाँ, सफलता मिली है। तीसरा विकेट डाउन हुआ है। मैच में अभी मोर बाकी बहुत हैं। और इस तरह से तीसरा विकेट गिरा है एनटीपीसी कहलगांव का। थोड़ी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास और ऊंचा होगा एनटीपीसी बाट के खिलाड़ियों का। हाव भाव, शारीरिक भाषाएं, सब कुछ बदल जाएगी। और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में प्रवेश करते हुए, मनीष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी यहां से 18 रनों का अंतर। कहलगांव और जीत के बीच और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकाल दिया। गेंद चली जा रही है ऑन साइड में, भागकर एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ अब रनों की संख्या पहुंची है 36, 17 रनों की और आवश्यकता। और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, सुरक्षात्मक तरीके से बैट और पैड को साथ लेकर हल्के हाथों से पुश किया। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 36-3, सूरतेहाल इस मुकाबले का। लक्ष्य चाहिए 53 रनों का। 7वें ओवर की समाप्ति। नए ओवर की शुरुआत दिव्य प्रकाश के द्वारा। और इस बार गेंद चली जा रही है, क्षेत्र रक्षक उसका पीछा कर रहे हैं और गेंद की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई, लेकिन बल्लेबाजों के पास दूसरा रन भी पूरा करने का पर्याप्त मौका। स्कोर पहुंच गया 38, 38।
15 रनों की और आवश्यकता। अच्छी कोशिश, संघर्ष जारी है एनटीपीसी बार्ड के खिलाड़ियों के द्वारा। और स्कोरर वरुण बता रहे हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करें तो बार्ड की टीम ने 7 ओवर्स के बाद 41 रन बना लिए थे सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन थोड़ा अंतर क्योंकि कहलगांव की टीम को लक्ष्य पता है और वो 53 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। 1 रन का और इजाफा। और एक बार फिर से उछालने की कोशिश की है और इस तरह से एक और सफलता। मैच में कई रोमांचक मोड़ अभी बाकी है, कुछ भी कहना बिल्कुल अतिबाधिता होगी। फिलहाल मैच धीरे धीरे, कई मैचेस इस पूरी प्रतियोगिता में बेहद रोमांचक हुए हैं और यह पहला सेमीफाइनल भी धीरे धीरे अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंचता हुआ। अभी भी अगर कुछ विकेट्स और निकालती हैं तो फिर मुश्किल में फंस सकती है एनटीपीसी कहलगांव की टीम। थोड़ा चौकन्ने होकर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। चौथा झटका लगा है आठवें ओवर का खेल भी समाप्त हो गया। 8 ओवर के बाद स्कोर है 39, 4 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों का खेल बचा है, 14 रनों की और आवश्यकता है। और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला स्क्वायरिंग अंपायर के ठीक दाहिनी तरफ, गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का मौका। स्कोर पहुंचा है 40, 13 रनों की और आवश्यकता। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से खेला, थोड़ी सी दो फील्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हुई और 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर अब 41 पर पहुंच गया, 12 रनों की और आवश्यकता। और इस बार गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ, 1 रन पूरा किया, सिर्फ 1 रन मिल पाएगा। अच्छा प्रयास वहां पर क्षेत्ररक्षक द्वारा, काफी जीवटता के साथ गेंद को रोका सीमा रेखा के बाहर जाने से। अपनी तरफ से गजब का प्रयास कर रहे हैं बार एनटीपीसी के सभी खिलाड़ी, पूरी एकजुटता के साथ संगठित प्रयास कर रहे हैं। जी हां, एक और विकेट। कुछ देर पहले एनटीपीसी कहलगांव का पलड़ा भारी था, लेकिन अब तराजू बिल्कुल बराबर है। गजब की वापसी, शानदार वापसी एनटीपीसी कहलगांव के गेंदबाजों की। अब 11 रनों की आवश्यकता है, स्कोर है 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नवे ओवर का खेल प्रगति पर, मैच कब किस करवट लेगा कहना मुश्किल, इसीलिए क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है।
दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एनटीपीसी पतरातू वर्सेस बीआरबीसीएल के बीच खेला जाएगा। लेकिन उसके पहले ये गजब का थ्रिल, गजब का रोमांच, गजब का सस्पेंस बरकरार यहां पर। और इस बार अच्छी गेंद थी और सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला, क्षेत्र रक्षक मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं, अभी भी यहां से 11 रन चाहिए होंगे। लो स्कोरिंग मैचेस काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। ओ, एक बार फिर अच्छी गेंद थी, अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं, ओवर की भी हो गई है समाप्ति। 18 गेंदों का खेल बचा है और 18 गेंदों में चाहिए होंगे 11 रन, 11 रन टू विन फ्रॉम 18 बॉल्स। नमे ओवर की समाप्ति हो गई है और वहां कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने जो स्कोरिंग अपडेट कर रहे हैं उनका भी अच्छा योगदान। 18 गेंदों का खेल बचा है, 18 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता एनटीपीसी कहलगांव को इस मैच को जीतकर प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का करने के लिए। और इस बार गेंद निकल गई है, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट गए हैं। मौका था, मौका था, ठीक से गैदर नहीं कर पाए। मैच अपने ड्रामेटिक मोड़ पर। सस्पेंस, थ्रिल और ड्रामा तीनों मैदान में घटित हो रहा है। दोनों टीमों के प्रशंसकों की सांसें बिल्कुल थमी हुई और कमजोर दिल वाले मैच से बाहर चले जाएं। दर्शक काफी संख्या में पहुंचे हैं। और इस बार गेंद को खेला ऑन साइड में, वहां पर खतरा हो सकता था लेकिन एंड वक्त पर बल्लेबाज अपनी क्रीज में पहुंचने में सफल हुए। फिलहाल एक रन का और इजाफा टीम की रन संख्या में। स्कोर 44-44। ये अच्छा खेला है और इस तरह से गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। यह मसला भारी पड़ सकता है एनटीपीसी बार्ड को। स्कोर पहुंच गया 48। रन अब 5 रनों की और आवश्यकता। और इस बार बढ़िया प्रयास, शानदार फील्डिंग,
मैच कोई भी टीम जीते, लेकिन दोनों टीमें किसी से कम नहीं है। हार जीत खेल का हिस्सा, लेकिन जिस जीवटता और संकल्प शक्ति का परिचय दिया है एनटीपीसी बार्ड के खिलाड़ियों ने, वो काबिले तारीफ है। पूरी खेल भावना के साथ और इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ, एक रन पूरा किया। टीम के 50 रन पूरे हो गए हैं, तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का संकेत कि दर्शक गदगद हैं अपने होम टीम के प्रदर्शन से। एक और सफलता, एक और सफलता। और इस मैच के तुरंत बाद टॉस की प्रक्रिया पूरी होगी, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बीआरबीसीएल और पत्रातू के कप्तान से कि वो तैयार रहेंगे। और मैच रेफरी अवनीश कश्यप सर अभी तैयार रहेंगे। और वाइड बॉल का इशारा, अब सिर्फ दो रनों की दूरी पर एनटीपीसी कहलगांव की टीम खड़ी है फाइनल मुकाबले से। जोरदार अपील, लेकिन कोई क्षति नहीं, अभी भी रुका हुआ रन स्कोर 51 रनों पर। अब सिर्फ दो रनों की और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए एनटीपीसी कहलगांव की टीम को, और जैसे ही वो इस मैच को जीतेंगे प्रतियोगिता के फाइनल में अपना स्थान पक्का करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ स्कोर अब बराबरी पर आ पहुंचा है, अब सिर्फ एक रन चाहिए होंगे इस मैच को जीतने के लिए एनटीपीसी कहलगांव की टीम को। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एनटीपीसी पत्रातू और बीआरबीसीएल के बीच खेला जाएगा। और इस बार इस गेंद को खेल दिया और रन लेना चाहते थे, लेकिन कप्तान जितेंद्र ने मना किया और जितेंद्र ने आज कुल मिलाकर 4 विकेट चटकाए। गजब की गेंदबाजी की, और सुमन को भी 3 सफलताएं प्राप्त हुई थी। अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद नीची रहती हुई, और स्ट्रोक लेना मुश्किल हुआ बल्लेबाज के लिए। ER1 IRSM क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल, और इसी के साथ एनटीपीसी कहलगांव की टीम ने ER1 IRSM क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में अपना स्थान पक्का कर लिया है। कांग्रेचुलेशन टीम कहलगांव एंड हार्ड लक टीम बाढ़। मैं अनुरोध करूंगा
बीआरबीसीएल के कैप्टन अमित और पतरातु के कैप्टन अमित खालको से कि ग्राउंड पे आए टॉस के लिए और मैच रेफरी अवनीश कश्यप। और टॉस के बाद मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रेजेंटेशन भी होगा। पतरातु के कैप्टन अनमोल खालको और बीआरबीसीएल के कैप्टन विनीत सॉरी ठीक है। अभी थोड़ा टॉस हो रहा है सर, टॉस कर लीजिए। ए सुनो ना, ए इधर कर लो, इधर बाद में 2 मिनट। अरे 2 मिनट टॉस कर लो, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग थोड़ा सा 2 मिनट टॉस करा दे। हाँ हैंडशेक करके जाओ। आओ ए इधर आओ, ए ए एक मिनट इधर सर आ जाइए सामने। ये मैच 12 ओवर का है, 4 ओवर पावर प्ले, 2 बॉल, 2 2 मैच ठीक है, क्लियर है। चलिए हेड्स इज द कॉल बाय बीआरबीसीएल, हेड्स इट इज फील बॉल। वी वुड लाइक टू बॉल एंड आफ्टर विनिंग दिस टॉस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल टीम्स फॉर प्लेइंग। थैंक यू विनीत, ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। BRBCL has won the toss and decided to field first. Match होगा 12 over का। और दोनों टीमों से अनुरोध है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन अरेना में आ जाएं। बोथ द टीम्स प्लीज ज्वाइन। फॉर मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रेजेंटेशन एंड फॉर द अवार्ड प्रेजेंटेशन वी हैव ज्वाइन बाय GMTS दस्तीदार सर एंड GMFJD राकेश चौहान सर। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रेजेंटेशन अरेना में आए सर, और साथ में अनुरोध करूंगा IGMMS मनोज कुमार सर से भी ज्वाइन करें। राहुल थोड़ा कंफर्म करिएगा। हेलो, दोनों टीम बोथ द टीम्स प्लीज ज्वाइन फॉर मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रेजेंटेशन। टीम बाढ़ और टीम कालगांव, टीम बाढ़ टीम बार प्लीज ज्वाइन। कालगांव इस साइड आइए।
एनी गेसेस फॉर मैन ऑफ द मैच? ये बहुत टाइट कॉन्टेस्ट था और जो ज्यूरी का फैसला है, मैन ऑफ द मैच जितेंद्र कुमार, नौ गेंद में 3 रन और 4 विकेट। जीतू कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ये मैच तो बड़ा बढ़िया हुआ और मैं टीम बाहर को मतलब बहुत अप्रिशिएट करूंगा। ये लास्ट टाइम जो हम लोग फाइनल खेले थे, इतना ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, लेकिन वो लास्ट टाइम भी आ रहे थे, इस बार भी दूसरा मौका नहीं भुना पाए। लेकिन हार्ड लक, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। लास्ट टाइम से और बेटर टीम थी, आप मतलब फेवरेट टीम थे। क्रिकेट में ऐसा जीत और हार तो होता रहेगा, बट अच्छा खेले आप लोग। टीम बाढ़ के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। और ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सारे लोग आ जाए। हाइड्रोलिक लगा दो। अरे ड्रोन को, ड्रोन 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 एक बार आ जा। 1 2 3 थैंक यू सर। 15 मिनट लीजिए। तो हाँ, वो खाना खा रहा है, वो लोग का देख लो, 10 मिनट थोड़ा लगे। ठीक है, दिलों में फील शुरू करेगा। हाँ ठीक है। तो न्यूज़ ये